प्रिय विद्यार्थियों, हम माटी वाली लेसन पढ़ रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं और इसी क्रम में हम कथा में आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि माटी वाली जिस घर में पहुंचती है वहां उसे दो रोटियां दी जाती है। एक रोटी वह अपने बूढ़े और अशक्त पति के लिए रख लेती है और चाय के साथ एक रोटी को खा लेती है। उसे अब देखिए, वो कहती है कि चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है। जब उसे कहा जाता है कि चाय के साथ रोटी खा ले तो वो कहती है कि चाय तो बहुत अच्छा साग है, मतलब उसे कोई ज़रूरत नहीं है। और वो यही कहती है कि भूख अपने आप में जो है साग होती है, भूख मीठी की भोजन मीठा, अर्थात जब भूख लगी हो तो भोजन कैसा भी हो अच्छा ही लगता है। और वो जो है पीतल के गिलास में से चाय दी गई थी उसके बारे में भी बात करती है कि अब जो है शहर के अन्य घरों में पीतल के बर्तन नहीं मिलते हैं। तो घर की मालकिन कहती है कि बहुत ही कठिनाई के वक्त में न जाने कैसे तैसे करके घर वालों ने इन्हें सब जो है ख़रीदा होगा और अब जो है इससे गाड़ी कमाई की चीज़ें जो हैं उनको इस तरह से देना उसे अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए वह जो है उसके पास ही रह गया है। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग, जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं, फिर कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन। अब आगे देखिए, माटी वाली चाय ख़त्म करके और जो है खाली कंटर को लेकर के बाहर निकलती है और दूसरे घर में चली गई है। उस घर में भी हर हाल में मिट्टी आने के आदेश के साथ उसे दो रोटियाँ मिल गई है। उसने कपड़े के छोर में बांध लिया है और लोग जाने तो जाने वह रोटियाँ अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। वो सोच ही रही है और घर पहुँचते ही अपने बुढ़े को रोटियाँ दे देगी। आज उसके मन में ये भी है कि आज वो जो है जो कुछ थोड़ा बहुत उसके पास पैसे हैं उससे जो है वो कुछ साग का भी इंतज़ाम कर लेगी। माटी वाली जो है वो अपने पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदती है और फिर घरों में उसको ढोने में उसका पूरा दिन बीत जाता है। और गांव के ठाकुर की ज़मीन पर उसकी झोपड़ी गांव के दूसरे छोर पर बनाई हुई है और इस एवज में उसे उस भले आदमी के घर माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। आज वो गठरी के बदले अपने बुढ़े को कोरी रोटियां नहीं खिलाएगी, ऐसा वो सोच रही है। और अपनी आमदनी से उसने एक पाव जो है प्याज भी खरीद लिया है, सोच रही है कि जाकर के उसकी ही सब्जी बना देगी। और आगे देखिए, मन में ये सब सोचती हुई अपने घर पहुंच गई है और बुढ़े को जो है अब उसे लग रहा है और ये सब सोचती हुई घर पहुँची है, लेकिन देखती है कि हमेशा जैसे माटी वाले के पाँव के हाट सुनकर उसका पति उठ जाता था, आज नहीं, उसकी तरफ नज़रें नहीं घुमाई है और ना ही तो माटी वाले ने उसे छूकर देखा और देखा कि वह माटी छोड़कर जा चुका है, मतलब मर चुका है। अब टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उसे पूछा कि वह कहाँ रहती है, तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी जिंदगी तो इस शहर के तमाम घरों को मिट्टी ढोने में गुजर गई साहब, माटी कहाँ से लाती हो? माटा खाना से, मतलब कहने का, जब उससे पूछा जाता है कि अब यहाँ से उसको विस्थापित होना है तो उसके पास अपनी अगर झोपड़ी के कोई कागज़ हो उस ज़मीन के तो वो ले आए, तो वो यही कहती है कि उसका अपना कुछ नहीं है।